अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों को भेजता हूँ कराची का 500 गज का पैराडाइज विला जो कि 5 बेडरूम के ऊपर मुश्तमिल है। वो आज आप लोगों को विज़िट करवाऊंगा जो कि मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है। क्या क्या लोग अपडेट करवा सकते हैं, चीज़ें सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है तो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी होगी, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो आइए आप लोगों को अंदर विज़िट करवाते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो इन्होंने ग्रैंड ये पार्किंग का एरिया दिया गया है, ये आपके सामने मौजूद है। अगर तो आप लोगों के पास फॉर्च्यूनर मौजूद है, लैंड क्रूज़र मौजूद है, आराम से यहाँ पर दो गाड़ियाँ आ जाएंगी। ये बाहर का एरिया है कार पोर्च का, ये तक आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीट का विला है तो ये काफ़ी एम्पल स्पेस यहाँ पर दी गई है। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर काफ़ी मेस्ड अप नज़र आ रहा है। यहाँ पर सारा एरिया जो है वो आप अपने टाइल लगा सकते हैं, जैसे कस्टमर जो है अपने टाइल यहाँ पर लगवा रहे हैं। एंट्रेंस गेट 10 फिट का इन्होंने डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें इन्होंने यूज़ की गई है। तो आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एंट्रेंस के साथ ही लग्जीरियस ड्राइंग रूम का एरिया आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। फॉल सीलिंग फिलहाल कस्टमर जो है वो खुद करवा रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपके सामने इनका ड्राइंग रूम का एरिया है। ये एक ग्लास डोर स्टार्टिंग में आपको एंट्रेंस के लिए भी दिया हुआ है, तो जो भी आपके मेहमान हैं आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। आप आते हैं तो यहाँ पर छोटा सा पाउडर वॉशरूम भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। फिर एक और आपका गेट आ जाता है। गेट आने के बाद ये है वो लाउंज का एरिया जहाँ पर आप लोग आराम से अपनी सिटिंग, मेरे ख्याल से 10-12 सीटर के सोफे जो है यहाँ पर आसानी से आ जाने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों का ग्रैंड किचन दिया हुआ है। इसमें दो किचन प्रोवाइड किए गए हैं, एक डर्टी किचन अलग है और एक नॉर्मल है। ये सारी कैबिनेट जो है वो भेटाउन कराची आपको बना के देगा। और उसके बाद ये वाला एरिया जो है आपका माइक्रोवेव ओवन का दिया हुआ है और आप गैस की सारे काम कर सकते हैं। ये खैर ये भी बंद किया हुआ है लेकिन बहुत छोटा सा इन्होंने ये भी किचन का एरिया दिया हुआ है। तो इनका लेआउट ये है कि नीचे 2 बेडरूम है, ऊपर 3 बेडरूम है। ये है इनका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम के आप साइजेस देखिए, बहुत अच्छे साइज हैं। 12x10 का साइज इसमें इन्होंने दिया हुआ है। ये इनके वॉशरूम, अटैच वॉशरूम भी यहाँ पर मौजूद है। आइए अब हम सेकंड बेडरूम की तरफ जाते हैं। जो नीचे का मास्टर बेड है फिलहाल इन्होंने यहाँ पर इसको बंद किया हुआ है, काम जारी है, लेकिन एक नीचे मास्टर बेड भी मौजूद है। रेलिंग भी इन्होंने देखिए कोई हल्की क्वालिटी की नहीं लगाई है, रेलिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की। सामने आपके राइट हैंड साइड पे ये बड़ी सी विंडो प्रोवाइड की गई है, एल्युमिनियम का सारा काम हुआ हुआ है। अच्छा, ये जो खाली दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, अगर आप मॉडल विला देखते तो मॉडल विला वैसे भेज रहा हूँ कराची ने बेच दिया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ज़ाहिर है 500 गज का विला है तो फिर आपको अंदर ख़ुद भी काम करना पड़ता है ताकि आप इसको थोड़ा सा और जो है लग्जीरियस बनाएं। ये देखिए, ये है आपकी बेल्कनी के साथ आपका एक और तीसरा बेडरूम, ये भी मास्टर बेडरूम साइज़ है। इसी बेडरूम के साथ साथ आपकी बेल्कनी भी प्रोवाइड की गई है। इसके वॉशरूम में जितने भी आपको दरवाजे नज़र आएंगे आप सब देख सकते हैं, 8-10 फीट इन्होंने हाइट रखी हुई है। ये इनकी अंदर ही वार्डरोब है इसके अंदर, इस वॉशरूम के अंदर। अब मास्टर बेडरूम के बाद जो फर्स्ट फ्लोर पे है, अब उसके हम लाउंज की बात करें तो लाउंज में भी इन्होंने काफ़ी एम्पल स्पेस यहाँ पर ये देखें आपके सामने प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर इन्होंने छोटा सा किचन भी प्रोवाइड किया गया है। वैसे तो उन्होंने 2 यूनिट करके नहीं बेचा हुआ, लेकिन जो लोग 500 गज में, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम इसको 2 यूनिट करके जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं, तो नीचे का पूरा एक लेआउट उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आप बोला एंट्रेंस गेट, क्योंकि दो गेट दिए हुए हैं, आप वहाँ से वो बंद कर दें तो आप 2 यूनिट भी इसको बना सकते हैं। अब हम इस सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है किसी भी विला के अंदर, वो है ओपन स्पेस एरिया। ओपन स्पेस एरिया में मौजूद है जो कि दोनों बेडरूम को आप यहाँ पर जो आपकी रोशनी है बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। दोनों कमरे इतने रोशनदान होंगे और प्लस ये ओपन स्पेस आप प्रॉपर आउटडोर डिज़ाइनिंग करके, प्लांटेशन लगाकर आप इसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी शाम अपने बच्चों के साथ या बारिशों में आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हम जब ऊपर आते हैं तो ऊपर का एक जो बेडरूम है वो आपके सामने ये एक और मौजूद है। वार्डरोब इसके अंदर यहाँ मौजूद है, बाकी सब में आपने देखी होगी वार्डरोब वॉशरूम के अंदर मौजूद थी, इस वाले रूम में आपकी वार्डरोब जो है यहाँ पर मौजूद है। ये आपके सामने हर वॉशरूम के साइज़ को भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हम खुद ही जो है वो बनाएंगे, जब एरिया ने एक अच्छा ऑलरेडी प्लान लेआउट किया हुआ है और आपको कम पैसों में मिल रहा है तो इतनी ख्वारी करने से बेटर है बंदा रेडी ले ले। अच्छा, ऊपर मैं आपको जैसे बता चुका हूँ 3 बेडरूम है, तो ये आपके सामने एक और है, ये देखिए ये आपके सामने आ गया। इस वाले बेडरूम के अंदर भी ओपन स्पेस आपकी दी गई है। ये आ गया, ये आपका वॉशरूम आ गया। एक आपके सामने स्टार्टिंग में आपको दिखाया होगा,
कि आपकी जो स्टोर रूम का एरिया भी अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आप लोगों को जो ये 500 गज के खूबसूरत से विला आप लोगों को पूरा प्रॉपर विज़िट करवाएं तो आप लोगों को पसंद आए होंगे। पहले तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो आज के दिन आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 20 लाख से 4 करोड़ 30 लाख रुपये की रेंज में स्ट्रीट के आपको विलाज मिल जाते हैं। इतने की तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज के दिन आप लोगों को खुद करवानी पड़ती है। जब मार्केट में परचेजिंग करने जाएंगे तो आपको ज़रूर पता लगेगा। बेई टाउन कराची ने एक एक चीज़, बड़ी से लेकर छोटी चीज़, मैं सिर्फ दरवाज़ों की क्वालिटी की बात करूँ, लॉक्स की बात करूँ, एल्यूमिनियम की बात, किचन, एक एक चीज़ भैया ने अच्छी से अच्छी क्वालिटी इसमें लगाई है ताकि कस्टमर जब यहाँ आए तो तारीफ़ कर सके। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना ये है कि बेई टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बेकार है, बहुत जल्दी जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पैरागॉन ने ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट किया है, तो अगर पैरागॉन के नाम के ऊपर कोई सवाल हो सकता है तो फिर तो बिल्कुल कहा जा सकता है। छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स अक्सर आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेई टाउन के इस लग्जरी विला को हासिल करने के लिए नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर कॉन्टैक्ट भी करेंगे और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस जगह को आप लोग इन्जॉय कीजिए। खुदा हाफिज़।